भालू, अभी इसका नाम अप्पू है, अप्पू अप्पू। चल फिर जेठ जेठ जी तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड कल्चर ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जो है, आज है हमारी 8 सितंबर। हाँ तो आज जो है दोस्तों, अभी टाइम है हमारा, अभी हुआ है 12 बजे, 12:10 हुए हैं। और अभी जो मैं आया हूँ हमारे, क्या कहते हैं ये हमारा खेमंगे है घास काटने वाला, ये आपको घास हो रखी है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे घास काटता हूँ, फिर आज जो है, आज प्लान है हमारा मेले का घूमने का। कहाँ मेले में घूमने का? चंडाक के मेले में जाने का, मतलब नहीं मोस्ट वाले मेले में जाने का है। तो अभी जो है मैं घास काटी है, थोड़ी हल्की बहुत दिख रही होगी आपको, पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो मैंने अभी घास काटी है यहाँ से, वो वहाँ से लेकर रास्ते काट रहा हूँ घास। तो अभी जो है थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं पूरा, मतलब नहीं एक बार काटता हूँ थोड़ा घास, फिर उसके बाद निकलते हैं, दिखाएंगे आपको सीन आगे का क्या करके। अभी जो है फिलहाल घास काट के मैं जस्ट मतलब ना घास काट के सीधे नहाने के लिए जाऊँगा, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या करके सीन। नहीं वहाँ से घास काटने से आ गया हूँ और अभी कमरे में हूँ मैं। और चार्ज नहीं है फोन में, तो चार्जर लगाते हैं सबसे पहले। चार्ज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा तो ब्लॉग नहीं बन पाएगा। तो इसलिए पहले चार्जर लगाते हैं, फिर जाता हूँ मैं नहाने के लिए। नहाने के बाद दिखाते हैं कैसे, मतलब नहीं तैयार वैयार होके निकलते हैं मोस्ट मॉर्निंग के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी दिखाते हैं, सबसे पहले चार्जर लगाता हूँ फोन में अपना। तो दोस्तों मैं हो गया हूँ तैयार, नहा धोके बिल्कुल फिट हो गया हूँ मैं। और आज जो है हमारी जो है बच्ची को 11 दिन हुए, गोरु हमारा जो था ब्याया था, मतलब नहीं बच्चा हुआ था उसका, तो उसको आज 11 दिन है। तो खाना तगड़ा बनाया, मतलब नहीं घर में खीर वगैरह बहुत चीज़ बनाया पकवान, तो आपको दिखाते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे, मतलब नहीं मैं तो देर उठ गया, मेरे को तो यार मतलब नहीं 1 बज गए, वहाँ 2 बजे डोला उठ जाता है। तो देखिए खीर बनी है, और क्या है इसमें, सब्जी है, चावल है, दाल है, और भी बन रहे हैं, अभी पकवान बन रहे हैं, पूरी उरी बननी है शायद, पूरी दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरी ही बनी है। तो अभी खाने का टाइम तो है नहीं मेरे को, हमारा बच्चा बोला मतलब नहीं। और ये देखिए हमारे जानवर, इसका इसके इसी का लड़का है। और हमारे घर में आज अम्मा, भाभी जी और बड़ी वाली अम्मा भी आ रही है, चुनबुकरा वाली। तो अभी जो है मतलब मेरे को टाइम तो है नहीं, मैं निकलता हूँ अभी। तो ठीक है तुम इंजॉय करो, ठीक है दोस्तों। मैं निकल गया हूँ घर से, और दिख रहा होगा आपको हमारे घर का रास्ता। तो अभी निकल गया हूँ, तो अभी टाइम हुआ है हमारा 1 बजे, तो 2 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग। और मैं मतलब आगे गांव से बुंगा से मैंने एक भाई को ले जाना अपने साथ, वो बोला था यार दही चलेंगे वाली बात नहीं, तो अंकित भाई है हमारे, उसके साथ जा रहा हूँ मैं। तो ठीक है अभी वहीं जाके दिखाते हैं, मतलब नहीं अंकित भाई को ड्रॉप करते हैं, मतलब लेते हैं उठाते हैं, मतलब नहीं वहाँ से फिर निकलते हैं। तो ठीक है मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। ये अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फिर निकलते हैं। हमारे साथ एक विजय भाई है, और एक हमारे भतीज हैं, भतीज भी सारे हैं, मतलब मेरे को नहीं लगा रहे करके यार ये अंकित भाई हैं। चलो ठीक है अभी थोड़े बाद दिखाते हैं वहाँ, मतलब नहीं आगे उतारते समय, अभी तो हैं बैठ गए हैं गाड़ी। चल बैठ गए भतीज, दिखाई देना बेटा अगले दिन है 12 तारीख को, क्या बोल रहे हैं बैग पकड़ा निकाल
निकल रहे हैं। हाँ भाई किस निकल दोस्तों अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे ढोला आते हैं, तो दिखाते हैं आपको सीन क्या आगे का। देखिए ये है ढोला और यहाँ पे देखिए भीड़। देखिए एक बार कैमरा निकाल लो मगर हैं और रुक जा वही लता। ये देखिए लोग यहाँ पे कितनी भीड़ है। अभी नीचे से आएगा साइड ढोला में, आपको दिखाते हैं कहाँ से आते हैं। ये रुस्तो ही है, ये रास्ते हैं, यहाँ से आते हैं बोला डोला मत कितनी यहीं पे आते हैं, फिर यहाँ से मंदिर में जाते हैं वहाँ पे चंडा वाले। मैंने कर दिया पार्क बाइक और हम लोग जाते हैं मेले के लिए। अभी डोला आने में टाइम है शायद, तो अभी वहीं पे जाते हैं मेले ले में घूमते हैं थोड़ी देर फिर आते हैं। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग चले गए अंदर के लिए, दिख रहा होगा आपको सब लोग हैं। तो देखिए कितनी भीड़ है, मतलब नहीं यहीं पे आते, यहीं से आते हैं डोला, इसी रास्ते आते हैं जिस रास्ते हम आए थे अभी। और मतलब भीड़ इतनी होगी, मतलब वहाँ पे खड़े होने के लिए जगह नहीं है, मतलब नहीं यही रास्ते है सीधे, मतलब वहीं पर जाते हैं धोनी है वहाँ पे। ये है मोस्ट मानो टेम्पल, दिख रहा होगा आपको ये, और ये है गेट। तो दोस्तों आपको ना ये धोनी है दिख रही होंगे आपको ये, तो यहीं पे अभी आएंगे डोला यहाँ पे आएगा। पूरी भरी है मतलब जो है हम लोग अंदर जा रहे हैं गेट से, मेन गेट है ये। तो दोस्तों भीड़ इतनी है कि क्या बताएं, मम्मी को ज्यादा ही भीड़ हो रही है। ये है पत्थर भाई लोग, मतलब नहीं अपने अपना दिखा रहे तड़ी, मतलब नहीं किसमें इतनी तड़ी है करके। ये भाई में तन है और भाई मेरे टिप्चे मां की कसम, वीडियो देखो देश और बार लगा चैनल उठ देना यार, मैं भी गिरे मतलब बस मैं फोटो। हां भैया लगा लगा वीडियो वीडियो बनो करके ले। ओ रौनक हो जो जट रे चले मेले। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग आ गए हैं चिकन राइस खाने के लिए, और देख रहे हैं उनके बंदे लोग, भूत है मैं हूँ और भगत है और अंकित भाई है। नहीं 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 और साथ ही आज अन्य एक कार्यक्रम में होने के कारण मंचों की शान राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों मंचों को साझा करने वाले ऐसे कैप्टन दीवान सिंह मल्दिया जी अभी हमारे बचा।
है। आप सभी का स्वागत है मातृशक्ति युवा साथी, जितने भी लोग हमारे यहाँ पे मान व पदा है एक बार, और जो हमारे अभी सभी अतिथिगण आए हैं एक बार, मैं मंच के माध्यम से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। और एक सुंदर से गीत ज्यादा समय न लेते हुए एक समय जो है एक बार हमारे बोरा जी के लिए सुंदर सा आयोजन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो हंसमुख आदमी है, मतलब 24 घंटे हंसते रहते हैं, बिल्कुल बोरा जी के लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार। और हर साल की तरह मैं चाहता हूँ कि आप खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें और हम जैसे कलाकार यहाँ पे बड़ा बढ़ाते रहे आपका मनोरंजन के लिए। तो एक बार बोरा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां जोर से। और एक गीत आप सभी ने सुना होगा, केवल मोहनी तेरी खोटी चांदी पायला वही पछे बजनी छुमारे छो। तो आप लोग तालियों के साथ 1 2 मोहनी अरे सारे लाली नो अरे लाली का मोहनी अरे सारे लाली नो अरे पायला
चूड़ी पहन के कौन कौन आ रहा है मेरा हाल चूड़ी एक दूसरे पहनी है चूड़ी तो पहनी होगी क्या बात हाथ खड़े हो गए चलिए एक बार तो आप लोगों के लिए लाइन है सुंदर सी अरे मोहनी प्यारे हाथ काचे चूड़िया बोले तेरे भी पहने किसी ने ताई जी का ताली है नाचने आपको ठुमके लाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सुंदर तो क्या है अरे मोहनी प्यारे हाथ काचे चूड़िया बोले पैर बोले जी अगर भाभी जी भी आए तो आप दोनों संगत में नाचेंगे तो क्या नाम ना देगा नहीं एक ठुमका होना चाहिए आज तो ये मेले की याद मुझे भी हमेशा याद रहेगा मुझे लग रहा थोड़ा सा एक ठुमके से ज्यादा नहीं आज समझ लीजिए आप बोरा जी आपके लिए गा रहे हैं आज जो भी गा रहे समझ लीजिए आज ही आ जाओ अच्छा चलिए उनका मन नहीं है हमारे रोहित भाई भी दिख रहे हैं आपके भी ताले रोहित भाई एक बार जोर तो ताले रोहित भाई मोहनी प्यार हाथ काचे चूड़िया फूल परे हाय शेरा मोहनी प्यार हाथ काचे चूड़िया
और जीजा के लिए ताली होनी चाहिए। गुड रात आप जा रहे तो एक ठुमका लगा के जाने पड़ेगा सर। एक छोटा सा चलिए अच्छा चलिए थैंक यू सर। चलिए लेट हो रहा है चलिए तो दोस्तों बहुत मजा कर लिया है। अब जा रहे हैं हम डोला आने वाले हैं शायद डोला देख के आ रहे हैं मतलब नहीं डोले का सीन है चलने करके जा रहे हैं डोले के वहाँ पर। दोस्तों डोला आने को है मतलब वीडियो बनाने का टाइम नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतने बंदे खड़े हैं मतलब टाइम है नहीं। नहीं आने वाले क्योंकि कितनी भीड़ है मतलब यहाँ पे जगह ही नहीं है खड़े होने के लिए क्या करें। तू पीछे जा रास्ता दो भाई।
बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक, बहुत ज्यादा भीड़ है। दोस्तों कहीं खतरनाक हो रहा था, मतलब आनी और फोन बंद कर, कैमरा बंद करने के लिए कह दिया था हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कुछ अलग ही मजा आया, मतलब नहीं आज का। और दोस्तों ऐसा है ना, क्या कहते हैं, जो मोस्टा बाबा होते हैं उनको क्या कहते हैं, बारिश वर्षा देव का प्रतीक माना जाता है। तो क्या कहते हैं, आ देखिए मतलब मौसम दिखाता हूँ आपको ना, बिल्कुल बारिश आने ऐसा हो गया, मतलब अभी थोड़ी देर जस्ट पहले ही हुआ है, मतलब मैं तो बढ़िया धूप खिली थी, जैसे ही मतलब इफ्तारी हुई तो देखिए मतलब मौसम दिखाते हैं आपको। देखिए पूरे बादल छाए हुए हैं, मतलब नहीं देखिए। और अभी जो है अब वापसी करने की सोच रहे हैं हम लोग। आप वाला लेना था ना यार, ले 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 हेलमेट मेरे पास है, निकल मोहन ये घुटके पाल लिया तो गाइस जाम लगा है, फुल जाम लगा है। तो देखो भैया खतरनाक थी, पुलिस वाले यहाँ पे, पुलिस वाले नहीं होंगे खाली, वो क्या बोलते हैं सर आना भाई है, बंद कर चला डायलॉग वाला। अभी तगड़ा दाम हेलो पैदल ऊपर है गलत अंडा जी बल्ली वाली यार टॉप पे बिल्कुल फोटो खिंचाएंगे ठीक है।
ये मैं गाड़ी हाली सूख जा रही है देखो ये इतना तगड़ा दाम लगा है देखो ये निकित राज को फॉलो करिए फुल लाइव आए हैं देखो हाँ ठीक हो जाएगा वहां पर से हमारे पीछे कितना काम होगा देख ले एंकर कितनी बच रही है टूकने टूकने से इतना तगड़ा दाम लग रही है वाला 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 हैंडसम बॉय भाई हैंडसम अच्छा बड़ी बता दे हां बड़ा है लगाड़ी ये नहीं यहां बंद करते हम कैमरा भी बंद हुए नेट अरे यार भाई हमारी बाजू तो पहुंच रेंच में लगाने पे चिकी जाना सिटी नहीं यार ये देखो तू उससे फोन से भी वीडियो बना रही है अपना व्लॉग की आ रही है ये तू पाला जाऊँ अभी हम दिखाते हैं तो क्या देख सकते हो वहाँ पे चंडा एक पप की है दोस्तों अभी मैं आया हूँ क्या कहते हैं नागोट अपने दीदी लोग के घर में क्या कहते हैं वहाँ कुत्ता लाने कुत्ता ला हुए हैं उनके मतलब ना बढ़िया बढ़िया सही वाले कुत्ते हैं मतलब ब्याह रखे हैं ना बच्चे हो रखे हैं मतलब तो उसको लाने हैं मैंने और अपने घर में पालूंगा मतलब ना उसको लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे वो लोग गए हैं नीचे और मैं हूँ अभी ऊपर पे खड़ा हूँ और देखिए मतलब नहीं आज मेला है तो समझ लो बारिश होनी ही होनी है मतलब ना तो ये देखिए बादल गरजने देख रहे होंगे आप लोग सुनाई दे रहा होगा आपको और मौसम भी कहीं भयंकर हो गया मतलब नहीं मौसम तो खतरनाक हो गया मतलब टाइम हो गया हमारा टाइम यार टाइम आ ही नहीं रहे भयंकर टाइम हो गया लगभग लगभग हमारा 5:30 दोस्तों ऐसा है ना चार्ज आज भी खत्म हो गया मतलब नहीं फुल करके लाया था मतलब और कैमरा भी आज फोटो शूट तो हो नहीं पाया वैसे ही मतलब नहीं वहीं रह गए यार आठ देर में आया घर से ही देर में आया था एक बजे आया था 1:30 बजे आया था शायद तो वैसे ही देर हो गई है तो मतलब देर से आया था घर से तो फोटो शूट हो नहीं पाया था हमारा मतलब नहीं फोटो शूट के लिए आए थे बंदे नाराज़ हो गए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार नाराज नाराज तो चलते रहते हैं नहीं और अगले दिन करेंगे और अगले दिन दिखाएंगे आपको अभी जो है निकल रहे हैं कुत्ते आ गए हैं मेरे कहीं मज़ा आ गया मतलब नहीं देखते ही कुत्ते आ रहे हैं जैसे ही मतलब कहीं खुशी हो जाइए वो ला रहे हैं मतलब ना कुत्ते जल्दी आओ आवा मतलब नहीं ला गए हैं अप्पू को हमारे उसका नाम मैंने अप्पू रखा है ना हमारा कुत्ता है जो उसका नाम अप्पू है पूरा सहन निकाला
जाएगा तेरे को खुद ले चढ़ अबे नीचे का देखती डंडा देखी चोला नीचे का देखती नीचे का तो दोस्तों अभी जो है जलेबी लेबी पैक करा रहे हैं घर को फिर निकलते हैं यहाँ से लेकिन वो देखिए हम लोग आए हैं चौमिन सेंटर में चौमिन सेंटर है यहाँ से घर से और यहाँ से ये देखें हमारे भाई लोग और मामा जी और कौन है भाई लोग ये मामा के साले लोग हैं ये अलग ही पहचान हटके दोस्तों अभी जो है हम लोग पहुंचे हैं बाइस खुली और देखिए मतलब नहीं पिथौरागढ़ का सीन दिख रहा है मतलब यहाँ से पूरा कई मजा आ रहा है मतलब नहीं तगड़ा सीन है मतलब यहाँ पेड़ लग रहे हैं ना आगे से और वहाँ से नहीं बनाया मैंने वीडियो चलो कोई ना तो चलो भाई लोगों चलते हैं यार दोस्तों मैं पहुंच गया अभी घर में और आशा करता हूँ आप लोग का ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा ओके बाय गुड नाइट अभी टाइम है हमारा 9 बजे है और अप्पू भी जो है हमारा कुत्ता वो पहुंच गया घर में अच्छे से सुरक्षित पहुंच गया तो ठीक है मिलते हैं अगले ब्लॉग में ओके बाय गुड नाइट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओके ठीक है बाय गुड नाइट।